तो वेलकम बैक गाइस। आज है Day 38 हमारे चैलेंज का, और आज की वीडियो में हम जिस कार के बारे में बात करने जा रहे हैं, सबने नाम सुन लिया होगा, मारुति ग्रैंड विटारा। बहुत अच्छी कार आई है, हाई राइडर के कंपटीशन में आई है, हाई राइडर के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। हाई राइडर इसके प्लेटफॉर्म पे बेस्ड नहीं है, ग्रैंड विटारा हाई राइडर के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, आपको बता दूँ फिर से। एंड काफ़ी अच्छी कार है, अभी तक की मारुति की सबसे ज़्यादा प्रीमियम में एक्सेल से एक्सप्रेसा, इसमें सारी इंक्लूडेड है, अभी तक की सबसे ज़्यादा प्रीमियम, सबसे ज़्यादा क्लासी, सबसे ज़्यादा रॉयल कार आने वाली है ये, जो आने वाली है सितंबर के फर्स्ट वीक या सितंबर के मिड में आज ही की लॉन्च हो जाएगी। एक्सपेक्टेड प्राइस मैं भी आपको बताऊंगा जो जो वीडियो में होंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करते देखते रहना पूरी वीडियो एंड तक, लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आज स्टार्ट करते हैं गाइस, ये रही आपके सामने ग्रैंड विटारा की लुक। मैं अभी आपको पिक्चर्स दिखा रहा हूँ, अभी हम लैपटॉप पे अच्छा सा इसकी स्पेक्स देखने वाले हैं, इसका इंटीरियर देखने वाले हैं, एक्सटीरियर देखने वाले हैं। अभी शोरूम पे अवेलेबल नहीं है, मैंने आपको बता दिया था अभी स्टार्टिंग में, तो जब भी अवेलेबल होएगी फर्स्ट हम जाके रिव्यू करेंगे। हालांकि हम लेट हो चुके हैं, काफ़ी लोग अनवीलिंग कर चुके हैं, तो इस बार हम अनवील नहीं कर पाएंगे बट रिव्यू ज़रूर कर पाएंगे। तो आप देख सकते हो सामने आपको दिख रही होगी इसकी टेल लाइट्स में काफ़ी चेंज है, बिल्कुल स्लीक सी निकाली है। नीचे आपको फॉग लैम्प्स मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको क्रोम की ग्रिल मिल रही है, नीचे आपको कार्बन फाइबर की ग्रिल मिल रही है। इसके टॉप वेरिएंट में सिर्फ ये वाले अलॉयज मिलेंगे आपको, जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है। फ्रंट प्रोफाइल होगी हमारी, बैक प्रोफाइल इसकी बहुत ज़्यादा बिल्कुल अलग निकाली है, हाई राइडर जिसे कह रहे हैं, हाई राइडर के जैसी है बिल्कुल नहीं है उसकी जैसी, बिल्कुल अलग है। हाँ शेप साइज़ वगैरह वो ऑलमोस्ट सेम है, बट हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है इनकी टेल लाइट्स में, एंड काफ़ी अच्छी निकाली है इन्होंने। अपना स्मार्ट हाइब्रिड का लोगो भी चेंज कर दिया, पहले ब्लू में आता था तो वो भी थोड़ा अलग कर दिया, एंड नीचे की ये लाइट्स काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। ये आपको लाइट्स की फ़ोटो दिखाई है, एंड ये तो पहले आपको मैंने दिखा दिया था एक बार। तो ये है इसके अलॉयज जो टॉप वेरियंट में आपको मिलने वाले हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 17 इंचज़ के अलॉयज ही है ये। एंड ये आपको साइड पूरी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा अच्छी लुक है गाइस, आप देख सकते हो। सही में अभी तक की मारुति की सबसे ज़्यादा अच्छी कार मेरे को ही लगी है। मेरे को ब्रेजा भी काफ़ी अच्छी लगी थी, बट उसको देख के वही फीलिंग आ रही थी, हाँ सस्ती लैंड रोवर, सस्ती रेंज रोवर, वही सब। तो ये वाली काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ये आप देख सकते हो इंटीरियर, फोटोज़ में तो लग रहा है लेदर का वर्क है, बट असली तो लॉन्च होने पे ही पता लगेगा, जैसे कि मारुति ब्रेजा के टॉप मॉडल में तो नहीं था, बट हाँ जैसे एक्सेल सिक्स में है काफ़ी लेदर का वर्क, तो इसमें भी होना चाहिए बिकॉज ये नेक्सा पे लॉन्च हो रही है। एंड ये स्टेयरिंग तो सेम जैसे होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हाँ एक मोड का एडिशन है जो कि ईवी मोड आता है इसमें, एंड नॉर्मल मोड आता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो इसमें ये नया मोड आया स्नो मोड, ये हाई राइडर में नहीं है, पता नहीं क्या मोड है ये, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता ये ड्राइव मोड में क्या है। एक स्नो है, एक स्पोर्ट है, ये इलेक्ट्रिक ईवी मोड में नहीं है, ये स्नो मोड और स्पोर्ट मोड आपका ड्राइव मोड में है। आप ड्राइव मोड सिलेक्ट का ऑप्शन दिखा रहे हैं, ये हमारा गेयर बॉक्स का दिया हुआ है, एंड एयर बैग्स काफ़ी ज़्यादा है इसमें, आई गेस 1 2 3 4 5 वही 6 एयर बैग्स होंगे। बाकी ये है जो इसके मेन दो मोड्स आने वाले, ईवी मोड एंड ड्राइव मोड, सेम जैसे हमारे हाई राइडर में आ रहे हैं, एंड सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, तो आप सबको पता है बिल्कुल सेम होंगे। बट हाँ हमारी ग्रैंड विटारा कंपैरेटिवली हाई राइडर से थोड़ी सस्ती होएगी बिकॉज मारुति एंड वो टोयोटा है। एंड टॉप मॉडल में आपको फ्रंट दो सीट्स में पैसेंजर एंड ड्राइवर सीट में वेंटिलेटेड सीट्स मिलेगी, सेम एज एक्सेल सिक्स है हमारी। ये 5 सीटर 7 सीटर नहीं है, 5 सीटर SUV है, एंड क्लस्टर में चेंजेस दिख रहे हैं, पैडल शिफ्टर्स आपको मिले हुए हैं साथ में, एंड इंफोटेनमेंट सेम है जैसे एक्सेल सिक्स वगैरह में आता है। ये आई गेस हेड्सअप डिस्प्ले है, अच्छा ये भी चेंज हुआ है थोड़ा, हेड्सअप डिस्प्ले का पैटर्न थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, एंड ये सारे कलर्स वगैरह फिर आपको दिख जाएंगे। रेड कलर काफ़ी अच्छा लगा मेरे को इसमें, ये दोनों डिफरेंस कलर में, अच्छा ये ऑप्यूलेंट रेड मिडनाइट ब्लैक है, एंड ये ऑप्यूलेंट रेड है, ये आर्कटिक वाइट है, अच्छा ग्रे भी आ रहा है इस बार, ब्लू तो आता ही था हमारा, कलर कॉम्बिनेशन ज़्यादा दे दिया इस बार मारुति ने।
तो गाइस अगर इसकी स्पेक्स की बात करें, आपने अभी पिक्चर्स देख ली होगी, ये सारी सिर्फ पिक्चर्स थी एक्सटीरियर की, इंटीरियर की और जितना समझ आया उसका, क्योंकि अभी एग्जैक्ट लाइक लाइव पॉसिबल रिव्यू नहीं हो रहा पॉसिबल, क्योंकि शोरूम्स पे आई नहीं है। बाकी स्पेक्स की अगर बात कर ले तो मैनुअल पेट्रोल की बात कर रहा हूँ आपके सामने, 101 की BHP अराउंड होगी, 136 Nm का टॉर्क होगा, 1462 cc का पेट्रोल इंजन होगा इसमें, 5 सीटर मैनुअल है आप सबके सामने, 4 सिलेंडर्स इन लाइन। बाकी बूट स्पेस काफ़ी अच्छी होगी जैसे हाई राइडर की थी। एंड एक और डिफरेंस, जैसे हाई राइडर में आपको एक प्लेटफॉर्म मिला था, लाइक बूट आपकी अराउंड 5-10 लीटर्स थोड़ी कम हो जाती थी उस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि उसके नीचे EV की बैटरी थी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, सब आपका बूट के अंदर है, बूट आपको पूरी स्पेशियस मिलने वाली है, इतना हमने वीडियोस वगैरह देख ली थी। बाकी एग्जैक्ट जब आएगी तब अच्छा से रिव्यू करेंगे जाके हम, क्योंकि मेरी नेक्सा पे बात हुई हुई है शोरूम पे मोती नगर वाले पे, जैसे ही उनके पास आएगी सेम डे जाके आपके सामने उसकी भी अनवीलिंग करेंगे, अनवीलिंग तो नहीं रिव्यू ही करेंगे, अनवीलिंग काफ़ी लोग कर चुके हैं। एंड एक और चीज़ जो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस है जिस पे मेन वीडियो आज बनी है, एक्सपेक्टेड प्राइस इसका एक शोरूम 9.50 के अराउंड आएगा, लाइक ऑन रोड आपको समथिंग समथिंग 10-50-11 से स्टार्टिंग होगी। एंड अच्छा मॉडल इसका 14-15 के अराउंड ही मिलेगा, 18-19 तक जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हाईराइडर का लाइक सेम ही बेस्ड है, लाइक 20-25 हज़ार सस्ती होगी हाईराइडर से, एंड उसी के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, मेंटेनेंस उससे थोड़ी कम ही होगी क्योंकि टोयोटा एंड मारुति का डिफरेंस आपको पता है, बट हाँ एवरेज एंड माइलेज के मामले में हाईराइडर इससे थोड़ी सी बेटर सुनने में आ रही है। बाकी एग्जैक्टली तो तभी पता लगेगा जब हमारे सामने ये कार शेप में काफ़ी अच्छी है, बहुत प्रीमियम लुक दी है। बाकी आई होप सबने देख ली होगी वीडियो, लाइक करती होगी, शेयर करती होगी, सब्सक्राइब करते होगा चैनल को। मिलते हैं हम कल किसी बड़े कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।